आईडीडी न्यूज में आज जमशेदपुर और बोकारो दोनों ही जगहों पर गणेशोत्सव की शुरुआत खूब धूमधाम से हुई। पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं और कन्याएं मन चाहा वर पाने के अभिलाषा से करती हैं हरतालिका तीज, जिसका आज पारण किया गया। ओवरटेक करने के चक्कर में रेलवे साइडिंग से पुंदाग जा रहे मजदूरों से भरा टेम्पो हाईवे पर हुआ दुर्घटनाग्रस्त। सीपीआई बेरमो अंचल का बोकारो थर्मल में एक दिवसीय सम्मेलन संपन्न। नमस्कार, मैं हूं अपर्णा। इन समाचारों पर चर्चा विस्तार से। शुरुआत एक बड़ी खबर से। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की स्थिति थोड़ी डावाडोल है। कुछ विधायक रांची में हैं तो वहीं कुछ विधायक रायपुर भेज दिए गए हैं। हेमंत सोरेन ने स्वयं उन्हें रांची एयरपोर्ट तक छोड़ा और उनको विदा करने के बाद ही वापस आए। पासा अभी राज्यपाल के हाथों में है। देश भर में अंकिता की हत्याकांड को लेकर के बवाल हो रहा है। हर कोई चाहता है कि अंकिता के हत्यारे को फांसी की सजा मिले और अंकिता को न्याय मिले, और सबसे बड़ी बात कि कानून का डर हर व्यक्ति के दिमाग में हो। आने वाले समय में लोग इस तरह का जघन्य अपराध करने के पहले एक बार जरूर सोचे। अंकिता हम शर्मिंदा है, महिलाओं पर अत्याचार बंद करो। 23 तारीख को एक हमारी बहन अंकिता सिंह की जला करके निर्मम हत्या की गई। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी बोकारो जिले के अध्यक्ष श्रीमान भरत यादव जी के नेतृत्व में हम सभी एक आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि हत्यारे को अविलंब फांसी की सजा मिले और इस प्रकार का जो कुकृत्य कर रहा है, जो भी लोग कर रहा है, उसको एक सबक मिले। देखिए, झारखंड में इस प्रकार की लगातार विधिवत घटना हो रही है और झारखंड सरकार कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं। पिछले दिनों जैसे अंकिता का हत्याकांड हुआ, परी का, रूपेश पांडे का कांड हुआ और संजू प्रधान का सिमडेगा जिला में कांड हुआ, इस प्रकार से लगातार घटनाएं हो रही है। लेकिन ये तुष्टिकरण के बल पर सत्ता पर काबू हेमंत सरकार कोई भी कार्रवाई करने में विफल है। यह जनाक्रोश जो है, उस जनाक्रोश को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बोकारो जिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शित करते हैं। खबरें जमशेदपुर और बोकारो की विस्तार से सुनिए। जमशेदपुर और बोकारो दोनों ही जगहों पर आज गणेशोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। बड़े और भव्य पंडालों से सुसज्जित है गणपति बप्पा का दरबार। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है बप्पा के दर्शन को देखने के लिए। आइए ले चलते हैं आपको जमशेदपुर पंडालों में। बोकारो के अलग अलग मंदिरों में महिलाएं तीज व्रत मनाती दिखी। ऐसी मान्यता है कि महिलाओं के व्रत रखने से उनके पति की लंबी उम्र होती है। वहीं कुमारी कन्याएं अपने लिए मन चाहा वर पाने की अभिलाषा से करती हैं ये व्रत। आइए देखते हैं मंदिर के पुजारी जी क्या कह रहे हैं इस तीज व्रत के बारे में। स्नातन काल से जो है भादो महीने के शुक्ल पक्ष का तृतीया तिथि को हरतालिका व्रत के नाम से स्त्रियां जो हैं अपने सौभाग्य और सुख के प्राप्ति के लिए किया करती हैं। ये व्रत का प्रारंभ पार्वती जी के द्वारा ही हुआ था। उन्होंने ही भगवान शंकर का बालू का शिवलिंग बना करके और विधिवत पूजन किया था और उस पूजन के प्रभाव से पार्वती जी को भगवान शंकर प्राप्त हुए थे। उसी कामना के लिए आज इस कलयुग में भी सभी स्त्रियां सौभाग्य और धन धान के प्राप्ति के लिए और पति से प्रेम रहे और दाम्पत्य जीवन सुखमय चले, उसी कामना के लिए यह व्रत किया करती है। यही शास्त्रीय विचार है इसका। पूजा होती है और ये हिंदू धर्म में हम लोग का महिला लोगों के लिए बहुत मान्यता है इस पर्व के लिए, और हम लोग ये निर्जला उपवास करते हैं और शिव और पार्वती और गणेश जी से अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं। तीज पर्व पति के लिए किया जाता है, उनकी लंबी उम्र के लिए शिव पार्वती और गणेश जी की पूजा होती है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बेरमू अंचल परिषद का 16वां सम्मेलन बोकारो के थर्मल बोकारो क्लब में संपन्न हुआ। सम्मेलन की शुरुआत झंडोत्तोलन से हुई और शहीद वेदी पर पुष्प अर्पित कर शहीद साथियों को याद किया गया। सम्मेलन के दौरान शाखा सचिव ब्रजकिशोर सिंह ने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार महंगाई व जन विरोधी नीति अपनाई हुई है। आइए सुनते हैं ब्रजकिशोर सिंह की बातचीत। देश के वर्तमान हालात पर और हम चर्चा करेंगे इसमें कि सरकार किस तरह से महंगाई बढ़ा रही है, किस तरह से मजदूरों का शोषण कर रही है, किस तरह से किसान विरोधी बिल पास कर रही है, किस तरह से अत्याचार और महंगाई चरम पर पहुंचा हुआ है। उस पर हम लोग आंदोलन करने की तैयारी करेंगे और आने वाले दिनों में सरकार की नीतियों के खिलाफ, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन होगा। बोकारो जिला के बालीडी क्षेत्र में ओवरटेक करने के चक्कर में रेलवे साइडिंग से पुंदाग जा रहे मजदूरों से भरा टेम्पो NH-23 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें करीब 10 मजदूर सवार थे। इस दुर्घटना में 8 सवारियों को मामूली खरोंच आई, वहीं 2 सवारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज बोकारो के सदर अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर के अनुसार घायल व्यक्ति खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि घायल सभी यात्री पुंदाग के रहने वाले हैं, जो अपना काम खत्म कर रोज की तरह अपने घर लौट रहे थे। लौटने के क्रम में ये दुर्घटना हुई। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें IDD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।